हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घर पर ही किए गए कुछ ज़बरदस्त आविष्कारों के बारे में, जो कि आपका दिमाग पूरी तरह से हिला देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वॉकिंग मशीन। इस मशीन को देखकर आपको पुराने ज़माने वाले तांगे की याद आ जाएगी। इस मशीन को इस व्यक्ति ने अपने क्रिएटिव माइंड की मदद से अपने घर पर ही बनाया है। इस मशीन को आगे की तरफ से देखने पर यह एक बत्तख की तरह नज़र आती है, और इसके पीछे की तरफ एक सीट भी अटैच की गई है जिस पर एक व्यक्ति बैठकर इसे चला रहा है। ये बत्तख अपने पैरों से चलती हुई इसके पीछे बैठी सवारी को खींचती जाती है, और इस मशीन में एकदम रियल तांगे की फील लाने के लिए इस पर एक रस्सी भी लगाई गई है, और इसी रस्सी का इस्तेमाल करके पीछे वाला व्यक्ति इसे डायरेक्शन देने के लिए भी यूज करता है। इसी वॉकिंग मशीन से मिलता जुलता एक और आविष्कार किया गया है, लेकिन ये दिखने में बत्तख जैसा नहीं बल्कि एक मुर्गे की तरह दिखता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म भी एग्जैक्ट पीछे वाली मशीन की तरह ही है। ये वॉकिंग मशीन्स दिखने में जितनी कूल है उतनी ही इंटरेस्टिंग इनकी सवारी भी है। ये है अननोन इन्वेंशन। इस आविष्कार का हमें नाम तो नहीं पता, लेकिन ये कमाल का आविष्कार आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसमें एक थ्री व्हीलर रिक्शा की तरह दिखने वाले एक मॉडिफाइड फ्रेम के पीछे एक प्रोपेलर लगाया गया है। महज इस प्रोपेलर की मदद से ही ये मशीन जमीन पर इतनी तेज़ी से दौड़ पाती है। इस प्रोपेलर का कंट्रोल राइडर के हाथों में ही है। जितना इस प्रोपेलर की स्पीड को बढ़ाया जाता है, ये बाइक उतनी ही तेज़ी से दौड़ती है। ये है मॉन्स्टर बाइक। दुनिया में कुछ अलग करने का जुनून ही लोगों से ऐसे आविष्कार करवा देता है। इस मॉन्स्टर बाइक में आगे की तरफ एक ट्रैक्टर का बड़ा टायर लगाया गया है, और वहीं इसमें पीछे की तरफ दो छोटे टायर लगाए गए हैं। इस मॉन्स्टर बाइक को भी सिंपली साइकिल की तरह ही पैडल्स के जरिए चलाया जाता है, और इस बाइक में एक स्पेशल हॉर्न भी लगाया गया है। और इस बाइक को और भी कूल लुक देने के लिए इसके आगे की तरफ एक हेडलाइट भी लगाई गई है, लेकिन ये हेडलाइट एक खाली बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये है शू बाइक। इस कमाल की बाइक को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बाइक में नॉर्मल टायर की जगह शूज से बने टायर का इस्तेमाल किया गया है। इन शूज टायर को बनाने में 6 जोड़ी जूतों का इस्तेमाल किया गया है, और ये शू बाइक सड़क पर चलते समय राउंड टायर्स की तरह ही एकदम स्टेबल पोजिशन में चलती है। ये है फ्लाइंग बोट। ये बोट पानी पर तैरने के साथ ही आपको हवा में भी सैर करा सकती है। इस बोट को बांग्लादेश में बनाया गया है। इस बोट को हवा में उड़ने लायक बनाने के लिए इस पर स्पेशल विंग्स लगाए गए हैं, और इस बोट को हवा में थ्रस्ट देने के लिए इसमें पीछे की तरफ प्रोपेलर भी लगाया गया है। इस बोट के प्रोपेलर को ऑन करके इसे पानी पर दौड़ाया जाता है, फिर लास्ट में इसके प्रोपेलर को पूरा थ्रस्ट देकर इस बोट को हवा में उड़ा दिया जाता है। ये बोट 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 1500 फीट की ऊंचाई पर आसमान में आसानी से उड़ सकती है। ये है फोर व्हीलर साइकिल। अगर आप भी कम बजट में कार ड्राइव करने का मजा लेना चाहते हैं, तो पेश है ये फोर व्हीलर साइकिल। इस व्यक्ति ने इस बाइक को एक सिंपल से फ्रेम के ऊपर बनाया है, और इस साइकिल की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक नॉर्मल बाइक हैंडल की जगह एक कार स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसे चलाने पर कार को ड्राइव करने वाली फील आती है। लेकिन इसे चलाने के लिए आपको पावर अपने पैरों से ही पैडल्स के जरिए देनी होती है। ये है टॉल बाइक। यहाँ भी कुछ हटके करने की कोशिश की गई है। इस टॉल बाइक को दो दोस्तों ने मिलकर बनाया है। इन दोनों ने एक नॉर्मल बाइक को एक 10 फीट फ्रेम के साथ जोड़ दिया है, और इस बाइक में इन्होंने अपने दोनों के बैठने का इंतजाम भी किया है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए इस बाइक को एक साथ ड्राइव कर सकते हैं, और इस बाइक पर बैठने के बाद सभी लोगों की नज़र इन पर ही रहती है। ये बाइक दिखने और चलने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन इसकी 10 फीट हाइट होने की वजह से इस पर चढ़ना और उतरना थोड़ा मुश्किल काम है। ये है जेट बाईसाइकिल। इस बाइक को एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर कोलिन फ्रूज ने बनाया है। ये ऐसे ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट अपने यूट्यूब चैनल पर करते रहते हैं। इन्होंने जेट बाईसाइकिल को बनाने के लिए एक नॉर्मल साइकिल में पीछे की तरफ जेट इंजन को इंस्टॉल किया है। ये जेट इंजन लिक्विड प्रोपेन फ्यूल से चलता है, और इस जेट इंजन का थ्रोटल राइडर के हाथ में ही दिया गया है। इस थ्रोटल की मदद से इस जेट इंजन में बार बार आग भी जलाई जा सकती है। इस जेट बाईसाइकिल को चलाने पर इसने 50 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पकड़ ली थी, जो कि इस एक्सपेरिमेंट को एक सेटिस्फाई एक्सपेरिमेंट बनाती है। ये है हवर बाइक। इस बाइक को भी इन्हीं फेमस यूट्यूबर कोलिन फ्रूज ने बनाया है। इस हवर बाइक को हवा में उड़ाने के लिए इस पर 2 प्रोपेलर लगाए गए हैं। इन प्रोपेलर की मदद से ये हवर बाइक हवा में उड़ पा रही है। इस हवर बाइक को बनाने पर इसका एक्सपेरिमेंट लगभग सफल रहा है। इस हवर बाइक को चलाने पर ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर उड़ पा रही है,
और इस हवर बाइक को कंट्रोल भी एक बाइक की तरह ही किया जा रहा है। हालांकि इस हवर बाइक को हर कोई नहीं चला सकता है और इसे स्टार्टिंग में चलाने में काफी दिक्कत आई थी, लेकिन कोलिन फ्रूज ने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बाद इसे हवा में उड़ने लायक एक हवर बाइक बना दिया है। ये है मोटर बाइक बोट। इस मोटर बाइक बोट में हीरो होंडा बाइक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लोहे के फ्रेम के ऊपर इस बाइक को रखा गया है और इसके इंजन को आगे की तरफ अलग से लगाया गया है और इस बोट को पानी पर तैरते हुए रखने के लिए इसके फ्रेम के दोनों तरफ एयर फिल्ड सिलेंडर लगाए गए हैं जो कि इसको पानी पर तैरते हुए रखते हैं। इसे चलाने के लिए इसमें भी सिंपली बाइक की तरह ही चाबी लगानी होती है, जिसके बाद इसके इंजन को स्टार्ट करके इस मोटर बाइक बोट की राइडिंग का मजा लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सभी क्रेजी इन्वेंशंस पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।